दोस्तों जस्ट इमेजिन एक ऐसा खतरनाक एलियन जो इनविजिबल हो जाता था। जब मिलिट्री के एक ग्रुप का सामना इस एलियन से हुआ तब उनके साथ कौन कौन सी डरावनी चीजें हुई ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में एक ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए दिखाई देती है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक उसमें से एक भाग निकलकर कहीं और चला जाता है और दूसरा वाला पार्ट सीधा अर्थ की तरफ मूव होता है। यहाँ पर इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। अब हमें डच नाम का एक एक्स मिलिट्री सोल्जर दिखाया जा रहा था जिसे कि मिलिट्री कर्नल कुछ बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। कर्नल डच को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके कैबिनेट मिनिस्टर सोल्जर्स के साथ एक हेलीकॉप्टर में निकले थे लेकिन उनका हेलीकॉप्टर गलती से एक जंगल के एरिया में जाकर क्रैश हो गया था। ये जंगल का वो भाग था जहाँ पर गोरिल्ला नाम की प्रजाति रहती थी। दरअसल गोरिल्ला प्रजाति यूएस मिलिट्री के अगेंस्ट काम करते थे। उन्होंने तो हमारे कई मिलिट्री सोल्जर्स की जान भी ली होती है। इसीलिए कर्नल चाहते थे कि डच अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाए और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पता लगाए। इस मिशन में डच का बहुत ही पुराना दोस्त डिलन भी शामिल हो जाता है और अब वो दोनों अपनी पूरी मिलिट्री टीम लेकर जंगल के उस भाग में चले गए थे जहाँ पर गोरिल्ला प्रजाति के खतरनाक लोग रहते हैं। डच और उसकी पूरी टीम गोरिल्ला लोगों के एरिया में पहुँच चुकी थी जहाँ पर उन्हें थोड़ी सी छानबीन करने के बाद एक क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है। ये हेलीकॉप्टर उनकी मिलिट्री फोर्स का नहीं बल्कि किसी जासूस का होता है। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स के सर में किसी ने गोली मारी थी जिससे कि वो मर चुके थे। इसीलिए डच ने अपने बाकी सैनिकों से कहा कि वो अपनी छानबीन जारी रखे। काफी सर्च करने के बाद उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद उन्हें पेड़ के ऊपर तीन मिलिट्री सोल्जर्स की लाश मिलती है। ये तीनों सोल्जर्स और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के टीम के सोल्जर्स होते हैं। ये देखकर डच और उसके सभी साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अब तो वो सब गोरिल्ला प्रजाति के सभी लोगों को मारना चाहते थे। अब वो निकल पड़ते हैं सीधा उनके बंकर्स की तरफ लेकिन यहाँ जंगल में कोई तो था जो उन सभी को देख रहा होता है। हमें ब्लू कलर का एक अलग ही स्क्रीन दिखाया जा रहा था जिस तरीके से वो अनजान चीज बाकी सभी को देख रही होती है पर इस बात से सारे लोग अनजान थे। अब थोड़ी ही देर में डच की पूरी टीम गोरिल्ला प्रजाति के लोगों के पास आ जाते हैं। जब डच ने एक दूरबीन की मदद से उन्हें देखा तब उसे पता चला कि गोरिल्ला गैंग के एक आदमी ने उनके सिपाही को जान से मार दिया है जिस वजह से डच काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपने बाकी सोल्जर्स को हमला करने के लिए कह देता है और अब सारे सैनिक अपने अपने हथियारों का यूज करके गोरिल्ला गैंग को मारने लगे थे। देखते ही देखते गोरिल्ला प्रजाति के सारे लोग मारे जा चुके थे जिसके बाद डच की पूरी टीम वहां पर जाकर और भी ज्यादा छानबीन करने लगी थी। डच ने गोरिल्ला प्रजाति की एक औरत को छोड़कर सभी को मार दिया था। डच ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये एक औरत थी और हमारा बॉडी बिल्डर डच लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। पर थोड़ी देर बाद डच को ये अंदाजा हो जाता है कि कर्नल ने उससे ये झूठ कहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर भी उनके साथ आए थे। जब डच ने अपने दोस्त डिलैन को डराते धमकाते हुए ये बात पूछी तब उसने बताया कि ये सारा प्लान कर्नल का था। दरअसल उन्हें गोरिल्ला प्रजाति के लोगों को खत्म करना था इसीलिए मिशन के लिए तुम्हें चुना गया। कर्नल ये बात जानते थे कि मिनिस्टर का बहाना बनाकर वो तुमसे काम करवा सकते हैं और अब तो डिलैन ये भी कहने लगा था कि इन सारी चीजों का फायदा हमें ही हुआ है क्योंकि इस मिशन के आने के बाद गोरिल्ला प्रजाति खत्म तो हो गई पर उनकी टीम को अलग अलग टाइप की अनोखी चीजें मिल चुकी हैं जैसे कि बहुत सारे गोला बारूद के सामान और बहुत सारी यूनिक चीजें। लेकिन यहाँ डच को झूठ के बुनियाद पर रखी गई सारी चीजें एकदम से गलत लगती हैं। इसीलिए अब डच जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था। डच ने तो अपने साथ उस औरत को भी ले लिया था जिसका नाम एना होता है। अब थोड़ी देर बाद विली नाम का एक सोल्जर जो सभी को रास्ते के लिए गाइड कर रहा था वो एक पेड़ की तरफ लगातार देखता ही जा रहा था। डच ने जब विली के पास आकर उससे पूछा तब विली कहता है कि हम सबके अलावा और कोई न कोई तो यहाँ पर मौजूद है। विली का शक कहीं न कहीं सही भी होता है क्योंकि जो भी चीज जंगल में मौजूद होती है वो लगातार उन सभी के ऊपर नजर रख रही थी। डच और बाकी सभी लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे तभी एना एक अच्छा मौका देखकर वहां से भागने लग जाती है। एक सोल्जर तो एना को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया था लेकिन कुछ दूर तक जाते ही पेड़ के ऊपर से एक इनविजिबल आकृति निकलती है जिसने उस सोल्जर को तुरंत ही खत्म कर दिया था और अपने साथ जंगल के अंदर लेकर चली गई थी। सोल्जर का तो पूरा खून एना के फेस पर लगा हुआ था। जब डच और बाकी सोल्जर्स वहां पर आकर एना से पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या हुई तब एना बता रही थी कि उस सोल्जर को किसी अनजान और गायब वस्तु ने खींच लिया और जान से मार डाला।
डच के दोस्तों ने जब थोड़ा आगे चलकर अपने उस मरे हुए सोल्जर को देखा, तब उसके पूरे बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके थे। किसी को कोई आइडिया ही नहीं होता कि आखिर ये किसने किया होगा। अब डच और उसकी पूरी टीम उस जगह की तरफ जाने लगी थी जहाँ पर पहली बार उन्हें 3 सोल्जर्स की लाश मिली थी। रास्ते में एक सोल्जर जो कि बहुत ही ज्यादा लापरवाह था, उसे कुछ पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। सोल्जर ने तो दूसरी तरफ गन तान दिया था, लेकिन वहाँ पर तो एक छोटा सा जंगली जानवर निकलता है। लेकिन अब दूसरी तरफ से पेड़ पर वही इनविजिबल आकृति मौजूद थी जिसने उस सोल्जर की बॉडी पर लेजर चला दी होती है, जो उस सोल्जर के पूरा आर पार हो गई थी। वो सोल्जर तो तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर एक दूसरा सोल्जर वहाँ पर आ चुका था, जिसने कि तुरंत ही उस इनविजिबल आकृति को देख लिया होता है, जिसकी पूरी बॉडी तो इनविजिबल थी पर उसकी दोनों आंख चमक रहे थे। सोल्जर ने बिना कुछ सोचे समझे उस आकृति पर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। डच और बाकी साथी भी वहां पर आकर उसकी मदद करते हैं। उन्होंने तो बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो सब एकदम से रुक जाते हैं। अब डच ने उसी सोल्जर से पूछा जिसने कि उस इनविजिबल आकृति को देखा था। सोल्जर बताता है कि वो एक इनविजिबल आकृति थी जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें वही इनविजिबल आकृति दिखाई जाती है जिसके पैर पर एक गोली लग गई थी, और अब पहली बार वो आकृति विजिबल होती है। ये कोई बहुत ही एडवांस एलियन था जिसके पास अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। वो एलियन कैसे भी करके अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगा था। साथ ही साथ वो काफी जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। यहाँ डच और बाकी सभी को ये अंदाजा तो हो गया था कि उनके अलावा कोई और जंगल में मौजूद है, इसीलिए डच अपने साथियों के साथ मिलकर काफी सारे जाल बनाता है। डच चाहता था कि वो इनविजिबल आकृति इसमें फंसकर ब्लास्ट हो जाए। वो लोग कई घंटे रुककर इसका वेट कर रहे थे, पर अब तो जाल लगे रहने पर भी उनका एक और सोल्जर मारा जाता है। यहाँ डच को अंदाजा हो गया था कि अगर वो इनविजिबल आकृति जाल में नहीं फंसी, तब हो सकता है कि वो पेड़ों की मदद से ऊपर की तरफ से आ रही होगी। इसीलिए अब डच ने काफी दिमाग लगाते हुए पेड़ों के ऊपर भी जाल बना दिए थे, जिससे कि वो आकृति यहाँ पर आए तो वो पूरी तरीके से फंस जाए। जाल लगाने के बाद उन्हें सिर्फ वेट करना था अपने शिकार का। यहाँ डच जाल के एकदम बीचों बीच खड़ा होता है, वो इसीलिए ताकि वो इनविजिबल आकृति उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाए। पर तभी वो एलियन डच के बनाए गए एक जाल के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे कि उस एलियन ने डच के पूरे जाल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो सारे सोल्जर्स को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। उस इनविजिबल आकृति ने तो पेड़ पर चढ़कर खुद को विजिबल कर दिया था, जिससे कि डच और उसकी पूरी टीम पहली बार उस खतरनाक एलियन को देखती है। हालांकि वो एलियन वहां से दूर जा रहा था, पर वो सोल्जर जिसने कि पहली बार एलियन को देखा होता है, वो एकदम पागलों की तरह गन लेकर उसके ऊपर हमला करने चला गया था, क्योंकि उस एलियन ने इससे पहले जितने भी सोल्जर्स को मारा होता है वो इस सोल्जर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और अब वो एलियन को खत्म करके अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता था। यहाँ पर डच अपनी टीम के साथ अलग अलग हो जाता है। डिलन भी एकदम अकेला हो चुका था, जो गन की मदद से आगे बढ़ता रहता है, पर तभी अचानक डिलन को उसी सोल्जर ने पकड़ लिया था जो उस एलियन को जान से मारने निकला था। सोल्जर डिलन को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने एलियन को ढूंढ लिया था जो ठीक उनके सामने बैठा था। वो सोल्जर चाहता है कि वो उस खतरनाक एलियन को जान से मार दे, लेकिन इससे पहले उस एलियन ने उन दोनों को देख लिया था, और अब एलियन अपने खतरनाक लेजर बीम की मदद से सोल्जर की एक ही झटके में जान ले लेता है। अब यहाँ डिलन भी पूरी तरीके से फंस गया था, क्योंकि उसके पास भागकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। डच और उसके बाकी साथी जो दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें डिलन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि एलियन ने डिलन की भी जान ले ली। डच अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बचे हुए लोगों को लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक और सोल्जर के अंदर आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है, और अब उसने एलियन से फाइट करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद उस सोल्जर की जो हालत होगी वो तो हमें पता ही है। एलियन ने तो बड़े आराम से लेजर बीम की मदद से उस सोल्जर को मार दिया था, पर अब वो एलियन डच के और भी सिपाहियों को मारने लग जाता है। एलियन ने तो एक सोल्जर को हेडशॉट भी दे दिया था। डच ने तो लगातार उस इनविजिबल एलियन के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। डच तो अब सीधा एना को यहाँ से भागने के लिए कह देता है। तभी उस एलियन ने एक और लेजर बीम फायर की, जो सीधा डच के कंधे पर आकर लग जाती है,
जिस वजह से डच काफी ज्यादा घायल हो चुका था। डच अपनी जान बचाकर सीधा एक झरने के अंदर कूद जाता है। कैसे भी किनारे से बाहर निकलने के बाद उसकी जान में जान आई थी, पर अब उसकी पूरी बॉडी कीचड़ में लथपथ हो गई थी। लेकिन जब डच ने पानी के अंदर देखा तब वही इनविजिबल एलियन उसका पीछा कर रहा था। डच तो तुरंत अपनी जान बचाते हुए जंगल के अंदर भागने लग जाता है। डच मिट्टी के एक कोने में आकर रुक गया था, तभी वो डरावना एलियन अचानक उसके सामने आ जाता है। डच तो बॉडी बिल्डर होकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो एलियन डच के एकदम सामने होते हुए भी उसे देख ही नहीं पा रहा था। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डच की पूरी बॉडी पर कीचड़ लगी हुई थी। वो एलियन खुद तो इनविजिबल था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की बॉडी हीट को देखकर उन्हें महसूस कर सकता था। कीचड़ लगाने की वजह से वो एलियन डच की बॉडी टेम्परेचर को महसूस ही नहीं कर पाता, इसीलिए एलियन डच को बिना देखे वहाँ से चला गया था। डच को भी ये बात पूरी तरीके से पता चल गई थी, इसीलिए अब वो एकदम जोरों शोरों से चारों तरफ जाल बिछाने लगा था, क्योंकि उसे अपने मरे हुए दोस्तों का बदला तो लेना ही था। डच ने तो गोला बारूद की मदद से बहुत ही एडवांस जाल बिछा दिए थे, और अब कई घंटों के मेहनत के बाद डच अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। अब डच अपने हाथ में मशाल लेकर एलियन की तरफ चिल्लाने लगा था, जिससे कि अब वो एलियन जहां भी मौजूद होता है वो लगातार डच की तरफ बढ़ने लगा था। यहाँ डच के पूरे बॉडी पर कीचड़ लगी थी, इसीलिए वो एलियन उसे देख ही नहीं सकता, और तो और यहाँ पर तुरंत ही उल्टा होने लगा। अब तो डच आग के प्रभाव से उस एलियन को देख पा रहा था, और उल्टा वो एलियन डच को देख ही नहीं सकता। डच तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर उस एलियन के ऊपर लगातार वार करता है, जिससे कि उस एलियन को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी। लेकिन अब वो एलियन भी डच की तरफ अंधाधुन वार करने लगा था, जिससे बचने के चक्कर में डच पानी के अंदर गिर जाता है। पर अफसोस, अब डच के बॉडी से पूरी कीचड़ निकल चुकी थी, यानी कि वो एलियन साफ साफ डच को देख सकता था। एलियन ने तो डच को पकड़ा और उसका गला दबाने लगा, पर तभी उस एलियन को एहसास होता है कि डच काफी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो एलियन किसी वेपन का यूज किए बिना डच के साथ हाथों से फाइट करना चाहता था। एलियन डच को बहुत ज्यादा मारता है। डच ने काफी कोशिश की एलियन से बचने की, पर उसकी हर कोशिश एलियन के सामने नाकामयाब हो जा रही थी। अब डच एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ से भागने के चांसेस एकदम जीरो थे। लग रहा था कि एलियन उसे जान से मार देगा, पर तभी अचानक डच को एक आइडिया आता है। उसने जंगल के अंदर बहुत सारे जाल बिछाए थे, जिसमें से एक लकड़ी उसने पेड़ के ऊपर बांधी होती है, और अब ठीक उसी लकड़ी के नीचे एलियन भी मौजूद था, यानी कि डच उस लकड़ी को नीचे गिराकर एलियन को खत्म कर सकता था। इसीलिए अब डच यहाँ पर एक राइट मोमेंट का वेट करने लग जाता है। हालांकि एलियन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि डच ने उसके लिए एक अनजान जाल बिछा कर रखा है। एलियन जैसे ही डच को अपनी लेजर से मारने आया, तभी डच ने जाल की रस्सी को ऑन कर दिया था, और अब हवा में लटकी हुई इतनी बड़ी लकड़ी आकर एलियन की बॉडी पर गिर जाती है, जिससे कि एलियन पूरा नीचे दब गया था। उसके बॉडी में से ग्रीन कलर का खून निकलने लग जाता है। डच जब उठकर उस एलियन को देखने गया, तब ये पता चला कि वो एलियन अभी तक मरा नहीं है। वो एलियन तो तुरंत ही अपने हाथ पर लगे हुए कुछ बटन्स को दबाने लगा, और उसके बाद डच के एकदम सामने स्माइल देने लगा। डच यहाँ पर समझ जाता है कि वो एलियन यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, इसीलिए डच अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था। उस एलियन ने खुद के अंदर मौजूद एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया होता है, जो कुछ ही सेकेंड्स में ऑन होकर पूरा ब्लास्ट हो गया था। हालांकि डच एक बड़ी सी लकड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन उस धमाके का असर कई किलोमीटर तक गया था। आधा जंगल तो इसी धमाके की वजह से बर्बाद हो जाता है। धमाका शांत होने के बाद डच अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ गए थे रेस्क्यू मिशन करने के लिए। डच और एना को जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था, और अब एना लगातार डच की तरफ देखते रहती है कि उसकी पूरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो चुकी है। आखिर डच पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं, ये तो हमें सेकेंड पार्ट में ही पता चलेगा। इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। बाय बाय।